हेलो दोस्तों, परफेक्ट साड़ी वेयरिंग तो हम सभी की ख्वाहिश है, पर जब साड़ी हो भारी तो कैसे परफेक्ट पहनेंगे हम बेचारी नारी। तो आज आप सबकी इसी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट हेवी साड़ी वेयरिंग दिखाऊंगी और उसके साथ मेरी सीक्रेट ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले एक नॉर्मल पेटीकोट पहन लो, पर उससे भी पहले अपने हील्स को जरूर पहनना, अरे वरना साड़ी का लेंथ कैसे पता चलेगा। पर पेटीकोट ज्यादा हेवी ना हो इस बात का जरूर ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि साड़ी हमारी ऑलरेडी हेवी है। चलो अब साड़ी टैपिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हेवी साड़ी वेयरिंग के टाइम ध्यान रखिए कि साड़ी फ्लोर पे टच ना हो। जी हाँ, साड़ी को थोड़ा सा ऊपर ही पहनना है, क्योंकि साड़ी भारी है ना तो अपने आप ही नीचे चली जाएगी। अब एक राउंड टैप कर लो। देखो दोस्तों, हेवी साड़ी कहीं से भी कभी भी खुल सकती है, तो इस टेंशन से फ्री होने के लिए मेरी एक ट्रिक देख लो। एक राउंड टैपिंग के बाद यहाँ साड़ी को सेफ्टी पिन से पेटीकोट के साथ सिक्योर कर लो। अगर साड़ी थोड़ी ज्यादा भारी है तो आप दूसरी सेफ्टी पिन लगा लो। अब पल्लू को इकट्ठा कर लो और पीछे से घुमा के लेफ्ट शोल्डर पे डाल दो। और लेंथ नाप लो। मैं आंचल को मीडियम लेंथ पे रखूंगी, आप अपनी पसंद से रख लेना। अब रफली शोल्डर पे एक सेफ्टी पिन लगा लो, ताकि नीचे के प्लीट्स बनाने के वक्त बार बार पल्लू गिर ना जाए। अब नीचे के प्लीट्स बनाने से पहले पल्ले को पीछे से खींचती हुई आगे लेके ऐसे टाइटली सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लो। एक से ना हो तो दो सेफ्टी पिन यूज करो। अब आपकी कर्व भी इतना ही सुंदर दिखेगा। तो चलो नीचे की प्लीट्स बनाते हैं। हेवी साड़ी की नीचे वाला प्लीट्स बनाना तो जैसे सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वेट की वजह से ये सेट ही नहीं होते। इसीलिए आप मेरी दूसरी ट्रिक भी देख लो। साड़ी को अपने इंडेक्स फिंगर पे सेट करके फोल्ड करो और अंगूठे से ऐसे प्रेस करते हुए रिपीट फोल्ड करो। ऐसे ही एक एक करके साड़ी की प्लीट्स बनाते जाओ। इस ट्रिक की मदद से आपकी हेवी से हेवी साड़ी की प्लीट्स भी आप इवनली बना पाओगे, वो भी बिना किसी की मदद लिए। क्यों, बन गए ना प्लीट्स? अब इसे अच्छे से झटक लो ताकि बीच बीच कोई क्रीज ना रहे। अब प्लीट्स को ऊपर की तरह से सिक्योर कर दो और टक कर लो। अब एक मजे की चीज खुद ही देख लो। साड़ी हेवी होने की वजह से पेटीकोट खुद ब खुद ही बेली बॉटम पे पहुंच गई है, और इसीलिए तो मैंने पहले ही पेटीकोट को थोड़ा ऊपर टाई करने के लिए कहा था। क्यों, ये बढ़िया ट्रिक साबित हुआ ना? अगर बाकी कुछ हिस्सा बच जाए तो साइड से उसे भी टैप कर लो और पल्लू से कवर कर देना। अब एक टूल पे बैठ जाओ और इस तरह से एक एक प्लीट्स को पकड़ के सेट कर लो। इससे आपकी साड़ी प्लीट्स को खुद ही सेट कर पाओगे, वो भी बिना किसी के मदद के। अब आते हैं आंचल पर। पहले तो आंचल से सेफ्टी पिन को रिमूव कर लो। हमने पल्लू को मीडियम लेंथ पे इसीलिए छोड़ा था ताकि पल्लू को खुला रखने से कैरी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब पल्लू को शोल्डर में पिन ना करके थोड़ा सा पीछे पिन अप कर लो, इससे पल्लू बार बार गिरेगी नहीं। अब यहाँ मेरी तीसरी ट्रिक अप्लाई करो। अब यहाँ से आंचल की नीचे की बॉर्डर को लेकर इस तरह से दो से तीन प्लीट्स कर लो। फिर एक सेफ्टी पिन की मदद से यहाँ सिक्योर कर लो। बस अब तो ये ऐसा लॉक हुआ कि इसको अलग करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे देखा, बातों ही बातों में मैंने पहन भी ली परफेक्ट हेवी साड़ी। तो कैसा लगा आज आपको ये हेवी बनारसी साड़ी ड्रॉपिंग? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही हमें कमेंट करके भी बताना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।